हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट सेक्शन। मेरा नाम पुनीत है और आज मैं क्लास 8 का रैशनल नंबर्स कराने वाला हूँ। उस रैशनल नंबर में सिर्फ एक प्रॉपर्टी कराऊंगा जिसका नाम है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कराने से पहले मैं कुछ बेसिक सा चीज़ बताना चाहता हूँ कि पता चले कि रैशनल नंबर है क्या। ओके, रैशनल नंबर होता क्या है कि अ नंबर विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। अगर एक रैशनल नंबर को हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पाते हैं, जहाँ पर वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स, इंटीजर्स होते हैं लेकिन Q इज़ नॉट इक्वल टू जीरो। P इक्वल टू जीरो हो सकता है लेकिन Q जीरो के बराबर नहीं होगा, मतलब डिनोमिनेटर जो रहेगा, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो रैशनल नंबर्स के एग्जांपल कैसे कैसे हैं देखते चलो। जैसे कि मान लो 1/2, ठीक है, और जैसे 3/4, ये सब रैशनल नंबर के एग्जाम्पल है। ओके, 5/6, ये सब रैशनल एग्जाम्पल है। जैसे -1/2, -3/4, -5/6, ओके। ज़ीरो भी एक रैशनल नंबर है, ओके, वन भी एक रैशनल नंबर है। कैसे? अगर मैं इसको 0/1 करूँ या 1/1 करूँ, मैं 1 को नहीं लेता हूँ, मैं 5 ले लेता हूँ, ठीक है, 5/1 करूँ, तो मैं इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर पा रहा हूँ। ओके, तो इससे मुझे क्या समझ में आता है कि एक रैशनल नंबर वो होता है जिसको मैं एक फ्रैक्शन के रूप में दिखा सकूँ। ओके, और डिनोमिनेटर किसी भी केस में जीरो नहीं हो रहा है। अगर किसी भी केस में डिनोमिनेटर जीरो हो गया या फिर रूट ओवर में रहा, जैसे डिनोमिनेटर मान लो मैंने 1/√ दे दिया ऐसे करके, तो ये क्या करना पड़ता है मालूम है हमें कि डिनोमिनेटर में रूट रख नहीं सकते हैं, तो हम लोग इसको ऑब्वियसली √2 को हटाने के लिए √2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जाके यहाँ पर √2/2 आता है। ओके, तो ये रैशनल नंबर नहीं है, ये चीज़ रैशनल नंबर नहीं है। ओके, तो इससे कन्फ्यूज मत करना कि इरैशनल नंबर को भी इरैशनल नंबर कहते हैं इसको हम लोग। इरैशनल नंबर को भी हम लोग रैशनल नंबर बोल सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल नहीं, इसको नहीं बोल सकते हम लोग। ओके, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को समझने की कोशिश करते हैं कि वो है क्या, मतलब यहाँ पर यूज़ क्या है, मतलब रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ करते कैसे हैं वो देखते हैं हम लोग। ओके, चलो तब आगे बढ़ते हैं। तो चलो देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है। कि अगर मान लो मैं एग्जाम्पल एक लेता हूँ कि ये एक रैशनल नंबर है ए, बी भी एक रैशनल नंबर है, तो जब हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है, तो कुछ एक रिजल्ट निकलता है। नेक्स्ट बोलते हैं क्या कि अगर मैं बी का प्लेस और ए का प्लेस इंटरचेंज कर दूँ, जैसे ऐसे किया हुआ है मैंने, कर दूँ, तो मुझे इक्वल में दोनों का जो सम है वो इक्वल ही रहेगा, मैं दोनों तरफ साइड में LHS और RHS इक्वल ही रहेगा। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो चलो कि जैसे मान लो नॉर्मल एक नंबर का एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे नॉर्मल एक नंबर, जैसे मान लो 5 है, 5+3, ठीक है। अब अगर ए का वैल्यू अगर 5 है तो बी का वैल्यू 3 है, तो मैं बी के जगह पर 3 बैठाऊँगा और ए के जगह पर 5 बैठाऊँगा, ठीक है, और ये ऐड करूँगा। तो जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ मुझे यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है 8, और जब मैं इनको ऐड कर रहा हूँ ये रिजल्ट मुझे मिल रहा है 8। ये नॉर्मल एक नंबर के केस में से होता है। रैशनल नंबर में कैसे करना है देखने समझने की कोशिश करते हैं रैशनल नंबर का। तो चलो मैं एक फ्रैक्शन लेता हूँ, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक रैशनल नंबर लेता हूँ 2/5 + 3/5। मैंने दोनों केसेस में डिनोमिनेटर सेम लिया है ताकि मैं कैलकुलेशन इजी करके तुम लोग समझा पाऊँ। ओके, तुम लोग को एक्चुअली ये कंसेप्ट समझाना है मुझे, तो कैलकुलेशन टफ करके कोई फ़ायदा नहीं है मुझे। तो B का वैल्यू क्या है 3/5, मैंने इसको यहाँ लिखा, और A का वैल्यू कितना मेरा 2/5, मैंने इसको यहाँ लिखा। मुझे चेक करना है कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो एडिशन का है, ये जो प्रॉपर्टी है ये एडिशन का है। ओके, ये एडिशन का है, तो ये इसमें काम कर रहा है, मतलब एडिशन रैशनल नंबर में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या एडिशन में काम करता है कि नहीं वो देखना ज़रूरी होता है। LCM लेंगे, नीचे क्या आएगा 5, ऊपर में क्या आएगा 2+3, यहाँ पे भी LCM लेंगे नीचे होगा 5, ऊपर क्या होगा 3+2। तो इसका क्या मतलब बनता है कि 5/5 इधर में हो रहा है और इधर में भी 5/5 हो रहा है, मतलब ऑब्वियसली ये तुम्हारा इक्वल टू हो रहा है, राइट। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है वो एडिशन के प्रस्पेक्टिव में काम करता है। अब इसी तरह मैं सब्ट्रैक्शन में ट्राई करता हूँ, ठीक है, अब मैं सब्ट्रैक्शन में देखने की कोशिश करता हूँ कि ये मेरा काम करता है कि नहीं। ओके, मैं कुछ करूँगा नहीं, मैं सिर्फ यहाँ पे साइन चेंज करूँगा, यहाँ पे माइनस लगाऊंगा, यहाँ पे भी माइनस लगाऊंगा, यहाँ पे भी माइनस लगाऊंगा, क्योंकि LCM जब हम लोग लेंगे तो ये अब माइनस साइन रहेगा, फिर यहाँ पे माइनस साइन रहेगा। तो अब ध्यान दो, 2-3, अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, 2-3 कितना होता है -1/5, 3-2 कितना होता है 1/5। एक चीज़ यहाँ पे नोटिस कर पा रहे हैं कि LHS में मेरा नेगेटिव साइन आ रहा है लेकिन RHS में मेरा पॉजिटिव साइन आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है कि ये इक्वल टू नहीं है। मतलब क्या समझ में आता है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को मैं सब्ट्रैक्शन में यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है। नेक्स्ट पैरामीटर चेक करते हैं, वो है तुम्हारा मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में ट्राई करते हैं, सेम रैशनल नंबर लेंगे उसी में ट्राई करेंगे। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, सब साइन चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा रहा हूँ, यहाँ पे भी चेंज करता हूँ, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन साइन लगा रहा हूँ, और इसको पूरा मैं मिटा रहा हूँ इस चीज़ को।
अब देखो यहाँ पे क्या होता है, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 × 3 कितना होगा 6, और 5 × 5 कितना होगा 25। यहाँ पे भी सेम चीज़, 3 × 2 = 6, 5 × 5 = 25। तो देखो मल्टीप्लीकेशन के केस में, मल्टीप्लीकेशन के केस में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑब्वियसली यूज़ हो पा रहा है, मतलब मैं इस पर काम कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो इसके केस में ये चीज़ काम हो सकता है, इसमें नहीं हो सकता, लेकिन इसमें हो रहा है, प्लस में हो रहा है, मल्टीप्लीकेशन में हो रहा है, लेकिन सब्ट्रैक्शन में नहीं हो रहा है। एक और पैरामीटर मैं देखता हूँ जो है डिवीजन का, डिवीजन का पैरामीटर देखता हूँ कि हमें फिर मल्टीप्लाई के जगह पर मैं डिवीजन का साइन बिठाऊंगा और चेक करूंगा कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिवीजन के केस में हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन रैशनल नंबर होता है कि नहीं। तो देखो मैं इसको फिर चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा रहा हूँ, फिर इसको चेंज करके यहाँ पर डिवीजन का साइन लगा रहा हूँ, और फिर मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटा दिया। अब देखो हमें पता है कि जब रैशनल नंबर डिवाइड होता है तो अगर मैं इसको ऐसे डिवाइड कर नहीं सकता तो मैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन बिठाना पड़ेगा, राइट। मल्टीप्लीकेशन साइन जब हम यहाँ बिठाएंगे तो इसको ऊपर नीचे कर देंगे, मतलब 5 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे चला जाएगा। सेम केस ओवर हियर ऑल्सो, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन साइन चेंज करेंगे तो 5 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे चला जाएगा। ओवर हियर वी कैन सी, हम लोग यहाँ पे देख पाते हैं कि ये 5 और ये 5 कैंसिल, ये 5 और ये 5 कैंसिल हो जाता है। यहाँ पे फर्दर नोटिस कर पा रहे हैं कि यहाँ पे 2/3 हमको मिल रहा है और यहाँ पर 3/2 मिल रहा है, जो कि इक्वल नहीं है, राइट, जो कि इक्वल नहीं है। तो मैं बोल सकता हूँ कि रैशनल नंबर में डिवीजन, मतलब रैशनल नंबर्स के कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में मैं डिवीजन को यूज़ नहीं कर सकता। मतलब मैं अगर कोई सम दिया हुआ है, मान लो कुछ रैशनल नंबर का एक इक्वेशन दिया हुआ है, यहाँ पर डिवीजन कराया जा रहा है, तो वहाँ पे मैं डिवीजन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूज़ नहीं कर सकता। तो ये था तुम्हारा रैशनल नंबर्स का कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, मतलब कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को रैशनल नंबर में कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका आता है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो मैं नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करूँगा। तो उनको पाने के लिए आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के पास जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल में कर दें, ताकि जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आपका जो रहेगा वो आपको संग संग मिल पाए, ठीक है।